राम राम जी सारा ने एक और नए ब्लॉग में थोड़ा सरंग स्वागत है। और आज है महाशिवरात्रि। राम राम जी सारा ने गुड मॉर्निंग किया हूँ सारा, उम्मीद है कि सारा ठीक होगा। गुड मॉर्निंग बोलो, आओ खेलने लग रही हो आज, वो बिन छुट्टी है नहीं। गुड मॉर्निंग राम राम सारा। ओके चाय पानी बना दिया, फिर मिलांगा। पवन जी बनाने लग रही रंगोली, देख लो क्या मैं बनाऊंगा आज, तन बनानी को नहीं आवे। और अट्ठा सारे बनावे, इन खातर बनाई है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, इन खातर है। कोई करगा अगे इं रंगोली बनाई है, अट्ठे बनावे रंगोली इं सुबह शाम। आ एक प्रकार को पाउडर आवे, अभी पाउडर बनाई है। अट्ठा दिखे था नहीं करगा अगे अट्ठे बनाई है, इं बनाई रखे ग्रांग अगे। ए तो रोज ही बनावे, हाँ काम रोए रोज, कोई अट्ठे कोई कल्चर है। और मैं नहा लियो, अब नहा के पूजा पाठ कर लिया आज मासी रात्रि। और मम का कपड़ा धोने ला रहे हैं। मत भाई ना नहाई ना मेरी पाठ पूजा करी ना दे काम करके, टोटल तेरी पाठ पूजा करेगी मेरे। उन तो कौशल ना लाग रही है, वो कहते पाठ पूजा करिए तो मैं तो आप पाठ पूजा करूंगा। कौन जी करी है पाठ पूजा, बियंग बियंग वो कर से। और ऊपर झाड़ू निकालिए, इन बारे निकाल दी। और शाम ने टेंपल जावांगा शिव जी के पास में ही है, खाना भी ले चला ना दो थे रेडी रही हो, थे भी धोख लगाइए यो मंदिर में। तरबूज है गया अभी दिन खान दिखायो स्कूटी में, तेरे गला गया जब ले गया अंता के तो कोसल मां रखन लागयो फ्रिज गए, तो जो दिन फोड़ दियो इन आत्मो छूट गयो, छूटता ही वो फूट गयो, तो मैं इन रख दियो फ्रिज में। और रात बना ली सब्जी में लौकी की, और अब भी तरबूज की बना लेंगे अभी दिन में, तो गिरी खाने के काम आ जाएगी। और इंगी मैं सब्जी बना ली, तो मैं कट करूं तां दिखाऊंगी भी मैं तरबूज की सब्जी किया बना ली। तो मैं पहला तो इन्हें इतनिया कट कर दूंगी। और आ एक न्यारी थाली ले ली मैं, ई थाली मां आ गिरी है जकी मैं इया काट दूंगी, पूरे तरबूज की गिरी काट के और आज पूरे तरबूज की सब्जी बना ली। आ बचगी इन्हें आपा फेंक देवा, इन्हें आपा फेंक देवा भी आ आपा सोचा की काम में कोनी आवे, तो जो कोई भी तरबूज खावे तो बिना मैं मेरी मतलब आई राय है भी आ गिरी तो खा लेओ, और इन तरिया चक्कू काट के और आ पीस बच जावे। एक से एक पीस हो रहा है, कितने दो पीस हो गया। तो अब एक न्यारी थाली ले ली, इंग मां में छिलका डाल के करूंगा ई साबू या हाँ बताऊ मैं जी। आपा मनाई करा राजस्थान में जगह देखा है या राजस्थान का है बन तो था ही है भी लोहिए की सब्जी बनाई करा आपा, तो इंगो टेस्ट सेम ही लोहिए की सब्जी को आवे वो। तो आ एक प्रकार की मन है लोहिया तो लाते कोनी नहीं, तो मैं तरबूज की सब्जी बना लिया। और देखो थे कितो मीठो है वो,
बिल्कुल रेड दिखन लग रही है। अठू मैं फूट के बी दिन टेस्ट करो, मैं इन दिन बी दिन भी अठू टेस्ट करो, जो एकदम मिठो निकलो तो वे आफ्टरनून का टाइम गा मैं वे वो तरबूज खा लेवांगा। और आ इया छील ली मैं इन्हें और अब थान दिखाऊं सब्जी तो कट सारा कर जानी है वहाँ इं आपकी पसंद के अनुसार है कि छोटी बड़ी किए ही इन्हें काट ले वे। सब ऐ सारी काट लूंगा। अगर सारे तरबूज की मैं बनाने चाहूँ सब्जी क्योंकि वो देखो काल काल पड़े हो रही है तो यहाँ साइड सुकेड़ो सो गयो तो इन खातर मैं इन्हें ई पीस की बनाऊंगा, इन्हें फ्रिज में रख दूंगा नहीं तो खराब हो जाएगा, ना तो खाने के काम में रहेगा और ना सब्जी के काम में रहेगा। तो मैं इनकी सारी ही सब्जी बना ले, अगर फिर भी बाई चांस सब्जी ज्यादा हुई तो अपन बस शाम में भी काम में आ जाए क्योंकि अपन फ्रिज में रख दिया सब्जी को तो भी मुखी कौन बिगड़ा, अपन शाम में भी ना आसानी से पास का। तो मैं इन कट कर लियो गिरी यारी काट लियो और सब्जी बनाऊंगा जब मैं थाल दिखा दूंगी भी मैं सब्जी इनकी केक दिया बनाऊंगा। कुकर में मैं डाल दूंगी और अब जीरो डाल दूंगी और थोड़ा सा को लहसुन कटकर रख के वो भी डाल दूंगी ताकि तड़का में खुशबू आवे अच्छी। तड़को आ गयो और मैं इन मसालों कूट के रेडी कर लियो है वो मैं डाल दूंगी। नमक मिर्च हल्दी दाणू गरम मसाला और लहसुन सब डाल दूंगी। अब मैंने आज सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली बनानी है तो मैं मसाले थोड़ी देर पकड़ दूंगा और फिर नेक्स्ट कुकिंग में बिल्कुल ही थोड़ा सो पानी डाल दियो, बाकी मैं पानी कौन डालूंगी वहाँ क्योंकि वाटर मिल्क को खुद वही बन जी सी पानी। तो मैंने आज ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो मैं मसाले थोड़ी देर पकड़ दूंगी। मसालों पक्के हो गया रेडी, देखो अभी माँ एक त्रेड़ी अज्जी की काफ़ी सारी डाल दूंगी। अंदर डाल दी मैं काफ़ी काटेड़ी अज्जी। तो अब सब्जी बनाने लग रहे हैं, सब्जी बनन लग रही है और ए थाने दिखे है पुदीने की पत्तियां। मैंने पूरा अद्धो घंटो लग गया साफ करता और कल पुदीनो है जो कोई तो सुंदर हो बहुत ही अच्छो थे देख सको इंगमा एक भी पत्ती खराब को निकली। तो मैं आगो के करूँगी हम बताऊँ इतनी पत्तियाँ ले ली मैं, थोड़ी सी पत्तियाँ ले ली मैं रायतो बनाने भी मैं रायतो बनाऊँगी तो थारसा के भी शेयर कर दूँगी भी मैं पुदीने को रायतो किया बनाऊँ तो भी कौन बनाऊ थान बना सुंदर दिखा दूंगी। और ए पत्तियां हैं जो कि मैं एक न्यूज़पेपर सिद्ध होकर गए और बिंग ऊपर ए पत्तियां सारी बिछा दूंगी तो ए सूख जाएगी बीह बाद में मैं थान बताऊंगी भी आ पत्तियां को मैं क्या करूंगी ठीक है। तो इन माँ पुदीने की पत्तियाँ थे देखी पहला डाल दी मैं और इन माँ दो हरी मिर्च कट कर ली और मीडियम साइज का मतलब प्याज पीछे कट कर ली मिक्स हो जाना है वह तो इन माँ प्याज डाल दिया और इन बाउल में मैं वो है भुंदेड़ो जीरो वो भी बिंग माँ डालूंगी तो इन मैं एक बार मिक्सिंग ग्राइंड कर दूँ। मैं ले ली छाछ कोई ने लस्सी भी बोला है कोई छा बोला है तो जति भी है मैं इंगमा ले ली मर्दोना जोगी और वो मैं ग्राइंड कर ली और इंगमा सुनो अब इंगमा वो डाल दे सुनो
मछाई है अब थोड़ा सो डाल दे सी मैं लूमा जीरो भून ले लो नमक दे दी अब इन मैं डाल दूंगा नमक और अब मैंने इन मिक्स कर दूंगा नमक बोल दो अब देखो बहुत ही अच्छा बन गया ये भी एक बार जरूर ट्राई करके देखियो अब रोटी मैं बना ली और टाइम हो रहा 12:30 तो बहुत ही जोर की भूख लग रही है दिन के लगे बाजन ने मैं तो खाना खा लिया ते भी खाना खा लियो मैं भी खाऊं तो मैं खाना खा लियो खाना खा के बर्तन साफ कर लिया झाड़ू पोछा कर ली डस्टिंग कर ली और अब मैं थान दिखाऊँ भी वे पौधी ने ही पत्तियाँ मैं इन थाली में रख रखी वह न्यूज़पेपर पर बिछाऊँगी देखो किचन है किचन में ही हूँ मैं अब तो किचन में वो मैं न्यूज़पेपर बिछा लियो और न्यूज़पेपर के ऊपर ए पौधी ने ही जी पत्तियाँ हैं नहीं ए सारी पौधी ने पत्तियां मैं यहाँ सीधी कर दी अब दो चार दिन मां सूख जाएगी मैं थान दिखाऊंगी भी मैं आ पत्तियां वो के करूंगा तो मैं अठे बनाने लग रही हूँ चाय चाय को टाइम हो रही है और ये ब्लॉग आप अठे ही एंड करांगा अब क्योंकि अगर शाम ने मंदिर वाली वीडियो इंग मास आगे ऐड करी तो ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये खातर मंदिर की जी वीडियो है जितनी भी बनी जितनी भी थाने दिखाऊंगा तो बा एक स्पेशल आ जाएगी खाना खा लियो और ये ब्लॉग उठे ग्राइंड मिलेंगे एक नए ब्लॉग में अगर हिमाचल में बन रही है तो सब एक वीडियो को मैं कंट्रोल लाइक वीडियो शेयर करूंगी ओके बाय गुड नाइट राम राम गुड नाइट बाय गुड नाइट